भाई ये केक तो जनरली केक होती है, पार्टी होती है 100 एपिसोड की, और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं अच्छा सा। एक्टर्स होते हैं 25-50, ये वो मीडिया आती है, एंड वी हैव गुड लंच एंड ऑल। बट जरा टाइम ऐसा चल रहा है कि सिर्फ केक काटने का वक्त नहीं है। हमारे अभी पूरा ही कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम इन द सेंस 500 और 1000 की नोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और 500 और 1000 की नोट का जो माहौल है उस पर बेसिकली जो भी हुआ है हम उसके साथ ही बहुत अच्छा हुआ है। पर जिस तरह बैंक के बाहर लाइन लगती है, आज कैश क्रंच है, लोगों के पास रिक्शा या कोई जिसको देखो 50-100 रुपये दिखते तो खुश होते हैं, खुशी आती है। जो वैल्यू नहीं थी 500 की, चलिए किसी की जेब में 100-10 का नोट पैसे वाला है, एक फीलिंग बदल गई है। और बेसिकली हमारा पॉइंट ये कि हमारे वर्कर्स रोज हमारे साथ काम ही करते हैं, और हमने हमेशा ये देखा कि पार्टियां या कुछ भी होती है सेलिब्रेशन का वक्त, तब ये ज़्यादातर इग्नोर ही हुए होते हैं, और पार्टी में सब हम आर्टिस्ट लोग ने बहुत मजे किए होते हैं, एंड वी ऑलवेज फॉरगेट इट। हालांकि हमने हर पार्टी में सबने साथ में मिल के बहुत डांस किया है, वो अलग बात है। बट हियर वी थॉट क्योंकि आज वक्त नहीं है, बैंक में जाए अपना पैसा निकाले और अपने जीवन जरूरत की रोज की जो चीज़ें हैं वो लेकर आए। तो हमने 100वें एपिसोड में ये तय किया दैट वाई नॉट वी डू समथिंग दैट वी बाय अ गिफ्ट हैम्पर ऑफ द नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग आवर वर्कर्स। तो हमने ये आपको ये जो कोने में थी अली बाबा की जो ये छोटी दिख रही है ना सब थैलियाँ, ये ऑल गिफ्ट हैम्पर्स है 100 एपिसोड के, एंड दिस गिफ्ट हैम्पर कंटेन्स ऑल दिस थिंग्स, जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं, गेहूं है, चावल है, शक्कर है, दाल है, कुछ सब्जियां हैं, ऑयल है, मिर्ची पाउडर, धनिया, आलू, अनियन, बैंगन, मिर्ची, धूल, नमक, चाय, जितनी कोई चीज़ें थी 20-22 रोज की जिनके नेसेसिटीज हैं उसका हमने एक हैम्पर बनाया, ताकि आप लोगों को 5-7 दिन से हफ्ते तक कहीं बाहर जाने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक हैम्पर हम देंगे, आप अपने घर ले जाए, वाइफ भी खुश और आप लोगों को भी थोड़ी शांति। कल से ये थैली में क्या था सब सोच रहे थे कि कल से पड़ा यहाँ, तो हमने सोचा दिस वुड बी अ जेस्चर विच वेयर यूड लाइक टू नॉट ओनली शेयर इट विद आवर वर्कर्स, ये आप लोगों के साथ, क्योंकि 100 एपिसोड तो बेसिकली आप लोगों के हिसाब से होते हैं, आपकी बहुत मेहनत होती है। इनका वक्त 9 बजे से रात को 9-10 बजे तक हमारे पास स्टाफ भी होता है, तो कोई ना कोई हमारा काम भी कर लेता है, बट दिस इज वॉट वी फेल्ट एंड वाई मीडिया हम नहीं करने वाले थे, क्योंकि ऐसे जेस्चर्स ना करके चुप रहना चाहिए। कर लिया हमने हमारे वर्कर्स के लिए किया, तो कोई बड़ी इवेंट बनाने का मतलब यहाँ पर व्हेन वी स्पोक टू कपल ऑफ पीपल दिस है कि अगर ऐसा आप जैसा अभी क्या हो रहा है पूरे देश में पता है, सब अपने वर्कर को तेरे बैंक में कितनी जगह है, तेरे अकाउंट में मेरा 1.5 लाख डालना पड़ेगा, तू एडवांस में सैलरी ले कैश में, ये ले 500-1000 की सैलरी, 3 महीने की सैलरी लेके जा। तो हमको लगा नो इट इज नॉट दैट टाइम, द टाइम इज डिफरेंट, द टाइम इज यू थिंक ऑफ देम एंड गिव देम समथिंग दैट दे गो विथ वेल। हमने किसी को अभी तक बोला नहीं है, जो 4-5 बड़े लोग हैं उनको मालूम है, बाकी किसी को बोला नहीं है कि भाई ये तेरे अकाउंट में कितना पैसा एडवांस में सैलरी ले कैश नहीं, आपकी सैलरी ऐसी आएगी, और साथ में आपको ये सब मिलेगा। एक केक तो हम काटते ही रहेंगे, और बिकॉज वो भी जरूरी है, एक्टर्स और टेक्नीशियंस और सब मिलके काटेंगे, बट दिस वॉज द मेन जेस्चर दैट इफ मीडिया पुट्स इट राइट वे, तो बहुत सारे लोग इस देश में अभी जो अपने वहाँ काम करते हैं, लोगों के पास सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो सब जाके मॉल में सुपर मार्केट में स्वाइप नहीं कर सकते। तो अगर ये जेस्चर सब करते हैं कि भाई अपने वहाँ काम करने वाली मेड है, वर्कर्स है, उनके लिए कुछ थोड़ा सा काम कर लेंगे तो दे विल ईज आउट। ज्यादातर प्रॉब्लम यही सेक्टर में है जहां लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। सो इफ वी डू दिस देन इफ वी प्रमोट दिस आइडिया देन इफ दे कैन डू इट फॉर देयर वर्कर्स देन बेसिकली हेल्प्स सर्वेंट्स वगैरह टर्म नहीं यूज करते हैं, उनके साथ जो उनकी टीम में काम करते हैं, चाहे घर में हो या कोई भी डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं, या कोई अपने काम जहाँ ऑफिस में करते हैं या फैक्ट्री में करते हैं या जहाँ कहीं भी करते हैं, अगर वो लोग ये बात को आगे ले जाते हैं तो इट बी वर्थ कि हाँ हमने लोगों की खिड़की में झांका और हमें ये दिखाई दिया कि खिड़की में थोड़ी सी तकलीफ है, तो तकलीफ को दूर करने की कोशिश करिए ताकि वो खिड़की में थोड़े से स्माइल आ जाए। तो
तो प्लीज एक एक करके आप आइए, उठाइए और अपने बैग पे अपना नाम लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा नहीं मिल रहा है शाम को, ऐसा होने के चांसेस बहुत है। तो प्लीज एक के बाद एक आइए और आ जाओ, कोई भी विश्वित आप ही आ जाओ, मुझे आ जाओ, लेट्स गिव इट टू ऑल इन फ्रंट ऑफ द। और फिर हम मिलके केक काटेंगे। अपना नाम लिखते जाइए, एक पेन रखिए बाहर पीछे, अच्छा सा कलर पेन, ब्लैक या कोई राज लाल, या नाम लिखिए, नंबर लिख दीजिए, कुछ भी। क्या जिसको नहीं चाहिए मैं रख लूंगा, बाहर भी अगर बाहर भी जाने वाले हैं, आपका नमक विल टेक टू पैकेट्स आउटसाइड ऑफ आपका गोभी आलू प्याज बैंगन टमाटर, मैंने आपका ऊपर खाया, ऊपर खाया। We were just discussing, now that saying is a pass, ke saab maine aapka namak khaya, now they were saying, saab maine aapka hamper khaya. Hamper khaya. Sabzi, roti, sab. It is so good that... Aur ek saath na ek kaam karte, let's do one thing, let's have a picture together. Ek baar yahan aa jao, sab log aa jao, kuch log apne haath mein hi utha lo, jisne liye picture lo. ये वो है क्या हैंपर आगे आगे basically this gesture with sharing with media is only for one purpose. If it inspires people, rather than asking your workers just to deposit cash in your accounts, please on the contrary give them two things in their hand. It ऐसा नहीं, कोई ऐसी कोई इनकी इनकम अच्छी है, सब अच्छे मेहनत करते लोग हैं, टाइम बैंक की थी, सो आई थिंक दिस विल हैव अ गुड बेटर इंपैक्ट। एंड जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करने का वक्त ये है। आज तक हम कभी क्रेडिट कार्ड से किसी की मदद नहीं कर पाते, बोलते ना चैरिटी क्रेडिट कार्ड से नहीं हुई है, ज़्यादातर कैश से ही होती, कैश कितना। फर्स्ट टाइम यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज डू समथिंग विद योर क्रेडिट कार्ड। Thank you. Sir, now we cut it. Before everyone goes, everyone together for the shutterbugs. Khidki. Hi. Or now we also do the owners. Cake bhi kaatenge. Bhai, bachche log aaja. Kam puri, kam. बहुत बार होता है ना कि सामने जो एक या तो जो बंदा बोलता है वो होता है सेलिब होता है, एक्टर्स होते हैं, प्लीज आस्क देम क्वेश्चन, लेट्स मेक देम द सेलिब टुडे। प्लीज आपके मन में जो सवाल है प्लीज पूछिए, कोई तो पूछिए, या तो मैं ही बोलता रहूंगा एंड तक। आप लोग तो मैं नहीं खाना लगा, खाते नहीं थे, मेरा स्वीट का पूरी नो क्वेश्चन, किसी को नहीं पूछना है। Fine.
What do we do now? Bites? Okay.